कैबिनेट धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है, जो सनातन के खिलाफ उसकी मति खराब है और हिंदू राष्ट्र कागजों में नहीं लोगों के दिलों में होना चाहिए। जनता को बाबा मान लो तो चुनाव जीत जाओगे और रेप के आरोपी को जीने का अधिकार नहीं है। देखिए अलग अलग मुद्दों को लेकर यह बयान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। धर्म विरोधी लोग हैं, लगे रहते हैं, पर इनकी मति खराब है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे जैसा हाल है। और ये जितने भी विरोध कर रहे हैं बहुत जल्दी ही ऐसे पंछी उड़ जाते हैं, प्रायः ये खेत के बिजू के हैं। और दूसरी बात, जो सनातन के खिलाफ है यूँ मान करके चलो उनकी मति खराब। भारत राम का राष्ट्र है, भारत में किसी भी मजहब का व्यक्ति यहाँ रहता हो वो अपने हृदय पे हाथ रखे और अगर वो बिना माइक के मीडिया के बोले तो यही कहेगा कि इस हृदय के खून में भी राम नाम ही बह रहा है, राम की ही यात्रा, राम की ही खुशबू, राम का ही ब्लड है ये, क्योंकि भारत राम का राष्ट्र। राम मंदिर की यात्रा, भगवान कृष्ण की यात्रा, ज्ञान बापी के विषय, ये सब सनातनी हिंदू राष्ट्र की ओर ही उत्थान कर रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र हमें प्रायः कागजों पर नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में चाहिए। हमारे हिंदू राष्ट्र में किसी को भागना नहीं है, हमारे हिंदू राष्ट्र में सिर्फ सनातनियों को जागना है। बाबाओं से चुनाव नहीं जीतना है, जनता को ही बाबा मान लें तो चुनाव जीत जाएंगे। बाबाओं से चुनाव नहीं जीतना है, जनता को ही बाबा मान लें तो चुनाव जीत जाएंगे। इनके ऊपर घोर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जीने का अधिकार नहीं है। जो इस प्रकार के अमानवीय कृत्य कर रहे हैं उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। और इस बच्चियों के ऊपर इस प्रकार